सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। दोस्तों, तुनिशा शर्मा के केस में उनका मम्मी का बयान आ चुका है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज के द्वारा मीडिया को थैंक यू बोलते दिख रहे हैं और इस केस का प्राइम एक्यूज्ड शिजान खान को बता रहे हैं। तो गाइस, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा पूरा केस के बारे में डिटेल्स जानने के लिए। तो आइए पहले देख लेते हैं तुनिशा के मम्मी ने क्या कहा मीडिया से, और इस वीडियो का लास्ट में ये भी देखेंगे कि शिजान के मम्मी से जब किसी मीडिया पर्सन ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया, और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा मेरे साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तुनिशा शर्मा का मम्मी का ये कहना है कि दोनों रिलेशनशिप में थे और शिजान खान ने किसी और लड़की के लिए उनके साथ ब्रेकअप कर ली। शिजान खान जो अभी मुंबई पुलिस के कस्टडी में है, इस केस में शिजान खान का भी बयान आया है। शिजान ने मुंबई पुलिस को बताया कि उन्होंने श्रद्धा वोल्कर के केस के बाद तुनिशा शर्मा के साथ ब्रेकअप कर ली। शिजान खान और तुनिशा शर्मा दोनों ही टीवी शो अलीबाबा के लीड एक्टर थे। जिन लोगों को नहीं पता, श्रद्धा वोल्कर का केस तो कुछ दिन पहले ही दिल्ली में अफ्ताब पूनावाला यानी कि श्रद्धा का बॉयफ्रेंड ने श्रद्धा का बेरहमी से मर्डर कर दिया और बॉडी का 35 पीस करके अलग अलग जगह में फेंक दिया था। शिजान ने पुलिस को बताया कि इस केस के बाद, क्योंकि शिजान एक दूसरा समुदाय का बंदा है यानी कि मुस्लिम है, और तुनिशा शर्मा जो कि हिंदू है। पुलिस को ये भी बताया कि उनका एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तुनिशा शर्मा सिर्फ 20 साल की है और शिजान जो कि 27 ईयर का है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि शिजान खान का मम्मी ने क्या कहा मीडिया पर्सन से जब मीडिया पर्सन ने उनको तुनिशा शर्मा केस के बारे में पूछा। तो शिजान की मदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, कुछ कहना चाहेंगे? अबेटमेंट का चार्ज लगाया है पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग भी पुलिस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, शिजान भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। जो सच होगा आप सब लोगों के सामने आ जाएगा, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात हुई है। पुलिस का कहना है कि रिलेशनशिप में थे और वो ब्रेकअप हो गया था, इसी बात से नर्वस। जो कहना है वो आपके साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, सच आने में टाइम लगता है, आपको भी चीज मालूम है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज। घर पर आना जाना था, काफी तुनिशा आती थी, कभी शिजान ने उसके बारे में आपसे डिस्कस किया हो? क्या बताया था मतलब शिजान ने कि दोनों रिलेशनशिप में थे या नहीं? प्यारी बच्ची थी वो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी भी इस टाइम मेंटल कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप समझ सकते हैं। मेरे लिए तो मेरा बेटा और तुनिशा वो मेरी बच्ची थी, आप, मैं इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। कल आपको कैसे जानकारी मिली, मतलब पुलिस ने आपको बताया? थैंक यू। शिजान के मम्मी का ये कहना है कि हम लोग पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए और इतना जल्दी डिसीजन मत लीजिए, जो सच है वो तो बाहर आ ही जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, चाहे तो अपना ओपिनियन मेरा कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।